बाबूजी, ये पप्पू हैं। नमस्ते पापा जी। नमस्ते, बैठो। तुम्हें किसी ने बोला खाने के लिए? जब उठाए लिए हो तो खा लो। जी। अच्छा पप्पू, ये बताओ कि काम क्या करते हैं? जी, हमारे पापा जी का बिजनेस है। अच्छी बात है बाबू जी, मैं मीना से बहुत प्यार करता हूँ और बस आपके आशीर्वाद से मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारे घर में रहकर हमारे घर के सारे काम करने, जैसे कपड़े धोना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना। तुम चुप रहो बेटा। अगर तुम हमारी बेटी से प्यार करते हो तो सबूत दो, और हाँ, जब तक हमें ये नहीं लग जाता कि तुम हमारी बेटी के लायक नहीं हो, तुम इस घर में रहकर तुम हमारी बेटी के साथ सुहागरात नहीं मना सकते। क्या बाबूजी, मैं लायक हूँ तभी तो आपकी बेटी मुझसे प्यार करती है। बाबूजी, अगर मैं लायक नहीं होता तो आपकी बेटी मुझसे प्यार नहीं करती, तभी तो अपने परिवार के खिलाफ जाकर मुझसे शादी कर रही है। मुझे लगता है पप्पू, तुमने जरूर हमारी बेटी के ऊपर कोई मोहिनी विद्या का असर डाला है। हमारी बेटी ऐसी नहीं थी जो अपने बाबूजी और अपने परिवार के खिलाफ जाए। बाबूजी, आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। अभी लगा कहां रहे, अभी तो बता रहे हैं। अगर सच में तुमने ऐसा किया होता ना पप्पू, तो अब तक हम तुम्हारी घाट खड़ी कर चुके होते, समझे? बाबूजी, वास्तव में हमने कोई मोहिनी नहीं की है, बल्कि हम तो खुद ही मोहन हैं। तभी तो आपकी बेटी क्या, इस गांव की सारी लड़कियां मुझसे प्यार करती, पर मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं। अब समझ में आया मुझे कि तुम्हारी नहीं लच्छेदार बातों से तुम सबको अपना बना लेते हो, लेकिन इस बार तुम्हारा एक गलत आदमी से पला पड़ा है। तुम चाहे कितने भी बड़े मोहन क्यों ना हो, लेकिन इस बार तुम्हारी कोई मोहिनी विद्या नहीं चलेगी, समझ गए? जो काम तुम्हें दिया गया है उसे पूरा करो, समझे? ठीक है बाबूजी, जैसी आपकी मर्जी, मैं तैयार हूं। मैं मीना के लिए कुछ भी कर सकता हूं। हाय, हमसे कब भूल हुई जो ये सजा हमको मिली, हमसे कब भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। अब कहां दुनिया की गली, यहां से लेते हैं। Ah!
तेरे प्यार में कैसा है क्या बना मीना, कभी बना कुत्ता कभी बना कमीना। सोचा था यहाँ पर मीना के साथ मौज करेंगे, साला क्या क्या करना पड़ रहा है। ससुर को तो सबक सिखाने पड़ेगा। एक ही प्लेट में मैं अपने हाथ से तुम्हें खाना खिलाऊं। अब यही हाथ बर्तन धो रहे हैं। हाय रे मीना, ये हाथ जो प्यार करता तेरे गोरे गोरे संगमरमर जैसे बदन को सहलाता, मैं बर्तन धो रहा हूं। कोई नहीं, प्यार के लिए लोग क्या क्या कर जाते हैं, तो क्या मैं बर्तन नहीं धो सकता। क्या बात है जोट रखे के पप्पू में, मैं तो मुझके लिए इतनी पागल हो जा रही हूँ और शादी की रट लगा रखी है। ऐसे तुम क्यों इतना पूछ रही हो, लेकिन तुम्हें पता है जिस दिन तुम मिलोगी ना तुम भी पागल हो जाओगी। एक लड़की को जैसे खुश रखना चाहिए ना, वो सिर्फ वही रख सकता है और कोई नहीं। अच्छा, अगर उसमें ऐसी क्या खास बात है, हमें तो कुछ खास नजर नहीं आता। चलो तुम कहते हो तो मान लेते हैं, पर बताओ तो सही उसमें ऐसी क्या बातें हैं। अब क्या बताएं, पर तुम इतना पूछ रही हो तो वैसे तुम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो, लेकिन अब क्या ही बताएं तुम्हें। बात बताने वाली हो तो बताएं ना। बहुत नाटक कर रही हो, चलो हम खुद ही पता कर लेंगे। तुम बहुत भाव खा रहे हो। अरे दैया इतना बड़ा, तभी मीना इस मोटे काले नाक के कारण इस पप्पू की दीवानी हुई जा रही है। तभी तो कह रही थी कि तू देखेगी तो तू खुद उससे प्यार कर बैठेगी। अब समझ में आ रहा है कि आखिर वो इतनी पागल क्यों हो रही है इसके लिए। अब तो हमारा मन भी ललचा गया है इस मादर जात पर। और हमें पक्के से पता है कि ये हमारी भी लेगा, और अगर हमारी लेगा
तो हम भला क्यों मना करेंगे, हम भी बड़े प्यार से देंगे। कौन नहीं चाहेगा कि ऐसा काला नाग डसे। इसलिए छुप छुप कर देख रही थी।